जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करता है जीवन में असली ज्यादा दुखी वही होता है, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, कभी संतों का संग नहीं करता, वह सबसे ज्यादा सुखी जीवन जीता है। ये सब कुछ देख कर कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, भगवान का न्याय ही गलत है। यह कोई कहानी नहीं, ऐसा हर किसी के साथ होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसका उत्तर दिया है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं। इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। तो चलिए आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माधव श्री हरि में। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, बात द्वापर युग की है, जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हो रहा था। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, माधव, जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं वह जीवन में ज्यादा दुखी रहते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, जबकि जो लोग भगवान का नाम भी नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते और हमेशा गलत कार्यों में लिप्त रहते हैं, उन लोगों को मैं सुखी देखता हूँ, इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से उत्तर दिया। आइए जानते हैं वह कहानी क्या है। एक गुरु के दो शिष्य थे और दोनों ही पढ़े लिखे थे। इन दोनों में फर्क बस इतना था, एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को नहीं मानने वाला था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वही चले जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीजों से दूर था। वह शराब पान भी करता था, वेश्याओं के साथ रमण भी करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन ऐसा हुआ कि शराब पीते हुए एक शिष्य बहकते हुए पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। अचानक उसे पैसों से भरा हुआ एक बैग रास्ते में मिल जाता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे पैसों से भरी हुई थैली मिल गई, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करूँगा। वही दूसरा शिष्य मंदिर से निकल के भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में एक बड़ा कांटा चुभ जाता है। ठीक उसी समय वहाँ पर दूसरा शिष्य भी पहुँच जाता है और हंसते हुए उससे बोलने लगता है, क्यों तुम ही हो ना जो सबसे ज्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या दिया तुम्हारे भगवान ने, मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया और कभी कोई अच्छा काम नहीं किया, मेरे घर में भी भगवान का मंदिर नहीं है, मैंने कभी भी सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी भी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज्यादा सुखी जीवन मैं ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बातें चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, हाँ ये तो सच बोल रहा है, मैं कितनी पूजा करता हूँ और बहुत कुछ भी नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चले जाता है और यही प्रश्न अपने गुरु से करता है। गुरुजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसे उसके अनुसार ही फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम जानते हो भगवान ने तुम्हारे पैर में ही क्यों चुभाया कांटा और उसे पैसों से भरा हुआ बैग क्यों मिला। सुनो, पिछले जन्म में तुमने बहुत पाप किया था, इसलिए आज तुम्हारी मौत होने वाली थी। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से अपनी पूजा पाठ में लग गया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे कहने से ज्यादा सुनते हैं, जितना हम पूछते हैं उससे ज्यादा हमें जवाब देते हैं, जितना हम कल्पना करते हैं उससे ज्यादा अपने समय
समय में और अपने तरीके से देते हैं। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना ही अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। जीवन में अपनी वाणी को काबू में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जाते। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। जैसे पानी को अगर दूध में मिलाया जाए तो वह दूध की तरह हो जाता है, यदि वही पानी अगर कीचड़ में मिलाया जाए तो कीचड़ बन जाता है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वह ना करें जो आसान है। गरीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूर कर देता है। जिस तरीके से बात करते हो उसी तरीके से सुनना भी पसंद करो। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही बस एक ऐसा है जो तब तब हमारा साथ देती है जब सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे दोस्तों से दोस्ती बनाए रखें जो आपको बेहतर बनाने में प्रेरित करते हो, जो आपका ख्याल रखें, जो आपको अपना जैसा समझे, जो आपको समझे और आपकी सहायता करे। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में अगर खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी घुसती है। विश्वास वह शक्ति है जो उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भी भगवान बनाया जा सकता है और विश्वास भगवान द्वारा बनाए गए इंसान को भी पत्थर दिल बना सकता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाएं और इतने सफल बन जाएं कि एक दिन आपको छोड़ने वाला पछताने लगे। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, उसने कितने अंधेरे देखे हैं कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हो, रास्ते बदल लो, सिद्धांत नहीं। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक पल में थक जाता है। ये मत सोचिए कि एक महीने और एक साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचिए 24 घंटे में क्या संभव है। किसी का असली चेहरा तभी प्रकट होता है जब उसके लाभ के लिए आप महत्वपूर्ण नहीं होते। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट सोच समझ के लिया गया फैसला जीवन को अवश्य बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे खौलते हुए पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए शांत मन से सोचिए, आपको हर समस्या का समाधान मिलेगा। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसके साथ हर समय हर पल रह सको। जो भी आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ते, तब तक आप हार नहीं सकते हो। किसी को हराना बहुत सरल है, लेकिन किसी को जीतना बहुत कठिन है। बीते हुए कल को कभी याद मत करो और तकदीर में जो लिखा है उसकी शिकायत मत करो। जो होना है वह होकर रहेगा, इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत करो। जहाँ आपकी कद्र नहीं है वहाँ मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसको समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई पछतावा नहीं करता तो उसके साथ खाना मत खाओ। जो सच पर भी नाराज हो उसे मनाने की जरूरत नहीं है। इस दर्द को आपको जाहिर करना पड़े, वह दर्द कैसा, और जो दर्द समझ ही ना सके वो कैसा हमदर्द। इस दुनिया का दस्तूर यही है कि चुप रहो और अपने दिल की बात किसी से मत कहो। हर आंसू आंखों में ही रखो, हर किसी को मत दिखाओ। हर व्यक्ति यहाँ अपने साथ नमक लेकर चलता है, इसलिए हर जख्म को हर किसी को मत दिखाओ। जिंदगी एक सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती, थोड़ी दूर बाद मोड़ अवश्य आएगा। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी का सुखद मोड़ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर मुश्किलें दरवाजे पर दस्तक दे तो डरना मत, निर्भय होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर वेष बदल कर ही आती है। और याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होंगे कि हमें जिंदगी कैसे जीनी है। और अगर आप अपनी जिंदगी में टूट गए हो, हार गए हो, तो फिर से आपको जीवन में खड़े होने की एक प्रेरणा मिली होगी। और अगर आपको श्री कृष्ण जी के ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीच सुनना पसंद है तो मेरे चैनल माधव श्री हरि को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे।